439DS पावर ट्रक ट्रैक्टर है और अभी हम देख सकते हैं कि फील्ड में आए हुए हैं जहां खेत का जुताई का काम चल रहा है रेगुलरली। ठीक है, ये देख सकते हैं खेतों का जुताई फसल लगने के लिए। और ये ट्रैक्टर में समस्या ये आया है कि इसमें ब्रेक का प्रॉब्लम हो रहा है और ये ड्राई ब्रेक है। ठीक है, ये सूखा ब्रेक ट्रैक्टर है, ऑयल ब्रेक नहीं है, सूखा ब्रेक है। और इसमें समस्या है कि जब जुताई करता है ट्रैक्टर तो इसका ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी ब्रेक अच्छे से जुताई के समय में नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या समस्या हो रहा है वो किसान भाई बताएंगे और खुद ही ट्रैक्टर को चलाते भी हैं। ठीक है, तो सूखा ब्रेक में होता क्या है कि समस्या ज्यादा होता है। ठीक है, ऑयल ब्रेक के अनुकूल, ऑयल ब्रेक में समस्या कम होता है सूखा ब्रेक के अनुकूल। और सूखा ब्रेक में प्रॉब्लम तरह तरह का आते रहता है। क्या तरह तरह का प्रॉब्लम आता है? ब्रेक नहीं लग रहा है, या ब्रेक हार्ड लग रहा है, या एक साइड का ब्रेक पकड़ रहा है, एक साइड का ब्रेक लग ही नहीं रहा है, या तो ब्रेक हीट हो रहा है। तो ये सब समस्या सूखा ड्राई ब्रेक में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ड्राई ब्रेक में ज्यादा समस्या आने का, ज्यादा प्रॉब्लम आने का क्या रीजन है? क्या रीजन हो सकता है कि ड्राई ब्रेक में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ज्यादा से ज्यादा समस्या आता है? कभी ब्रेक पकड़ लिया तो कभी नहीं पकड़ लिया, तो कभी हार्ड हो गया, तो कभी एक साइड का पकड़ने लगता है, तो कभी ब्रेक ड्रम हीट होने लगता है। सब सारा समस्या आखिर ड्राई ब्रेक में आता क्यों है? तो आने का मेन वजह इसका है कि इसका सर्विस ज्यादा देना होता है, यानी कि ये सर्विस ज्यादा लेता है। ठीक है, ऑयल ब्रेक में तो उतना सर्विस नहीं है उसका, तो ऑयल का क्वांटिटी और क्वालिटी और लेवल चेक कर लेंगे और ऑयल का ग्रेड चेक कर लेंगे तो चलता रहेगा, क्योंकि वो ऑयल से काम करता है, पूरा ऑयल सिस्टम से वो ऑयल ब्रेक काम करता है। लेकिन ड्राई ब्रेक ऑयल से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सूखा ब्रेक और बिल्कुल अलग चलता है। ठीक है, तो इसमें समस्या आता है क्यों? इसमें समय समय पर किसान भाई इसका सर्विस ब्रेक का नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ड्राई ब्रेक में होता क्या है कि उसमें सर्विस थोड़ा ज्यादा लेता है। ठीक है, इसमें सर्विस ज्यादा देना होता है टाइम टाइम पे। अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो ये क्या करेगा? काम करना, और इसमें प्रॉब्लम तरह तरह का देखने को मिलता है। जैसे ब्रेक पकड़ लिया, ब्रेक हीट हो रहा है, एक साइड का पकड़ रहा है, एक साइड का नहीं लग रहा है, सब समस्या ज्यादातर देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलता है? कि इसका सर्विस समय समय पर सर्विस नहीं दे पाते। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ड्राई ब्रेक भी कम ब्रेक पकड़ता है, ड्राई ब्रेक से भी अच्छा खेत का जुताई होता है, रोड पे भी अच्छा ब्रेक पकड़ता है। लेकिन इसका एक ही चीज है कि इसका सर्विस समय समय पर कराना होता है। अगर आप समय समय पर इसका सर्विस नहीं देंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, चाहे जुताई में हो या तो रोड के ऊपर हो। ठीक है, तो समय समय पर इसका सर्विस क्या है, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो रहता है। ठीक है, ऑयल ब्रेक के अनुकूल इसका मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, कम मेंटेनेंस, यानी इसका सर्विस में भी कोई खास खर्च नहीं आता है। या तो आप इसका ब्रेक स्विच को भी चेंज कर दे, ब्रेक स्प्रिंग को भी चेंज कर दे, इसमें ज्यादा कोई सिस्टम होता नहीं है। ज्यादातर होता है क्या कि ब्रेक स्विच चेंज होगा, ब्रेक स्प्रिंग चेंज होगा, यही होता है। और डी स्विच तो इतना जल्दी खराब होता नहीं है। ठीक है, डिस्क तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद खराब होता है, वो भी डिस्क खराब क्यों हो जाता है? डिस्क खराब होता है लापरवाही के कारण, यानी कि अनदेखा में ब्रेक नहीं लग रहा है, या ब्रेक पूरा तरह से घिस गया है, उसके बाद भी चल रहा है रेगुलरली, बड़ी ट्रैक्टर जबरदस्ती चल रहा है लापरवाही में, तब उसका डिस खराब होता है, नहीं तो डिस इतना जल्दी खराब होता नहीं है। ठीक है, तो मेंटेनेंस क्या करना होता है? इसमें मेंटेनेंस है कि इसको खोल के तीन महीना, ढाई महीना, तीन महीना में, तीन मंथ, थ्री मंथ, फोर मंथ के अंतराल में इसको खोलकर अच्छे से इसका सर्विस कराना होता है। और सर्विस में इसका ब्रेक स्प्रिंग है, ब्रेक शू को चेक कर लेना होता है, और अच्छे से उसे एमडी पेपर से साफ सफाई, मेन इसका सर्विस है साफ सफाई। तो तीन चार महीने के अंदर में अगर इसका आप साफ सफाई करते रहते हैं, यानी इसका सर्विस करते रहते हैं, तो ये भी अच्छे काम करता है। ठीक है, और ये तरह तरह का जो प्रॉब्लम ड्राई ब्रेक में आता है, वो सर्विस टाइम टाइम पे नहीं देने के कारण से इस तरह से प्रॉब्लम इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम इसका जो समस्या है ब्रेक में वो किसान भाई से ही सुनाएंगे। ठीक है, और वही बताएंगे आप लोगों को कि क्या समस्या इसका ब्रेक में जुताई करते समय आता है। तो आइए और हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि इसमें ब्रेक में क्या आपको प्रॉब्लम, क्या समस्या आ रहा है। ट्रैक्टर आप खुद ही चलाते हैं? जी हाँ, खुद ही चलाते हैं। तो इसमें आपका क्या कंप्लेन है कि ब्रेक क्या होता है? एक पट्टी मारते हैं तो न लगता है, एक पट्टी मारते हैं तो फंस जाता है। मतलब फंस जाता है, मतलब ब्रेक चक्का जाम हो जाता है। ब्रेक पकड़ लेता है, यानी एक साइड ब्रेक नहीं लगता है। सिंगल पैंडल करके चलाते हैं ना जुताई में, तो सिंगल पैंडल जब करके चलाते हैं तो एक साइड नहीं लगता है और एक साइड पकड़ लेता है, यानी ज्यादा लगता है, यही समस्या है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऐसे इसका ब्रेक पैंडल एडजस्टमेंट में गड़बड़ नहीं है, एडजस्टमेंट तो पूरा दोनों बराबर है पैंडल। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अभी हम ट्रैक्टर को थोड़ा ड्राइव करके भी देख लेते हैं, इसको ट्राई लेते हैं कि आखिर इसमें क्या समस्या आ रहा है। ठीक है,
ब्रेक टाइमिंग को छोड़ दिया, उसके बाद ये टायर बिल्कुल जाम हो रहा था। ठीक है, अभी फिर से देखिएगा। क्या बता रहे, तो देखा आप लोगों ने किस तरह से इसका ब्रेक एक साइड का, ये राइट साइड का पकड़ रहा है। ठीक है, हमने ब्रेक लगा कर और ये पैंडल को छोड़ दिया और पूरा ये पैंडल के ऊपर से हम अपना पैर भी हटा लिए, पूरा फुट को हटा लिए। उसके बाद से भी किस तरह से ये जाम चका हो रहा है, किस तरह से घिसावट की तरह घिस रहा है टर्निंग पे। ठीक है, पूरी तरह से पैंडल से पैर हटाने के बाद भी ये जाम होकर और घिस कर चल रहा है, यानी इसका ब्रेक पकड़ रहा है। ठीक है, तो यही समस्या आता है। दूसरा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या प्रॉब्लम है कि ब्रेक नहीं लगता है। अभी किसान भाई ने बताया कि एक साइड का ब्रेक नहीं लगता है और एक साइड का पकड़ लेता है, तो यही इसमें समस्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका दोनों साइड का ब्रेक को खोल लेते हैं, दाहिना और बायां दोनों। ठीक है, और खोलने के बाद इसमें क्या समस्या है जो पकड़ रहा है और क्या समस्या इसमें है जो इसका ब्रेक ही नहीं लग रहा है। ठीक है, दोनों साइड का सबसे पहले ब्रेक को हम खोल लेते हैं, उसके बाद दोनों ब्रेक का आप लोग को कंडीशन दिखाते हैं कि क्या समस्या है जिसके कारण से इस तरह से प्रॉब्लम। तो दोनों साइड का ब्रेक खोल लिए हैं। ठीक है, और ये देखिए लेफ्ट साइड का, जिस साइड में ब्रेक बिल्कुल ही नहीं लग रहा था पैंडल दबाने के बाद, पैंडल पूरा दबाने के बाद भी ब्रेक स्लिपेज हो रहा था जुताई के समय में भी और ऐसे भी। ठीक है, तो इसका कंडीशन देख सकते हैं कि ये ब्रेक शू इसका पूरी तरह से डैमेज हो गया है, घिस गया है पूरी तरह से ये ब्रेक शूज, इसका ये कहानी है। ठीक है, दोनों ब्रेक शूज और बाकी तो इसका साफ सफाई होगा। ऐसे डिस भी, ट्रैक्टर पुराना है तो डिस भी लास्टिंग, इसका भी लाइफ समाप्त है, लेकिन अभी यूज करेंगे इसी को। किसान भाई के पास बजट थोड़ा कम है, ठीक है, तो इसी को यूज कर लेंगे, अभी डिस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डिस चेंज करने में थोड़ा अमाउंट ज्यादा आता है। और देख सकते हैं ये साफ सफाई, जब ब्रेक शूज घिसता है तो इसका सारा जो डस्ट है ये क्या कहाँ जाता है, ये ब्रेक ड्रम में ही रहता है और यही सब प्रॉब्लम के कारण से अनेकों बीमारी, इसमें अनेकों प्रॉब्लम आने लगता है तरह तरह का, ब्रेक न लगना, ब्रेक पकड़ लेना, ब्रेक जाम हो जाना। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना इसमें सब डस्ट भरा हुआ है ब्रेक स्विच वाला। और बाकी तो इसका लीकेजिंग नहीं है ऑयल का, ठीक है, इसका सील उल ठीक है, सूखा हुआ है। तो ये तो जिस साइड में, लेफ्ट साइड में ब्रेक नहीं लग रहा था उसका कंडीशन ये है, और दूसरा साइड में दिखाते हैं, राइट साइड में जिस साइड में ब्रेक पकड़ ले रहा था। ठीक है, तो ये राइट साइड का कहानी है, जिस साइड में ब्रेक पकड़ ले रहा था, इसका तो ब्रेक शू इतना डैमेज नहीं हुआ था बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन ये हार्ड होने की वजह से, ठीक है, ब्रेक शू हार्ड भी हो जाता है और ये हार्ड होने की वजह से इस तरह से इसमें समस्या है कि इसका ब्रेक पकड़ ले रहा है चपक कर। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इसका स्प्रिंग, ब्रेक स्प्रिंग का टेम्पर भी लो हो जाता है, जो कि ये वापस रिटर्न डिस्क को खींच नहीं पाता है। ठीक है, जब डिस्क, जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पैंडल को दबाते हैं तो ये डिस्क फैलता है, ठीक है, और फैलने के बाद ये स्प्रिंग को रहता है कि जब हम ब्रेक छोड़े तो ये स्प्रिंग डिस्क को रिटर्न करता है, यानी वापस इसी जगह में लाता है, इसका काम ये है। तो स्प्रिंग का टेम्पर भी खराब हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो समस्या आता है ब्रेक पकड़ लेने का, उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है स्प्रिंग से ही होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग लूज होने से भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इसमें डस्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो घाट बना हुआ है ना, इस जगह पे जो डिस चलता है, यहाँ यहाँ ये जो फेस है, ये फेस में होता है का कि डस्टिंग ज्यादा होने के कारण से भी ये उसी जगह में
जाम पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे ही हमने ब्रेक पैंडल को दबाया, तो जब ब्रेक पैंडल को दबाया तो डिस्क जबरदस्ती फैल जाता है, लेकिन उतना इसमें सहन शक्ति नहीं रहता है स्प्रिंग में, या तो डस्ट के कारण से रिटर्न नहीं कर पाता है डिस्क को, जिसके कारण से ये डिस्क फैला का फैला ही रह जाता है और ब्रेक पूरी तरह से जाम हो जाता है, व्हील जाम हो जाता है। जैसे हमने दिखाया था आप लोग को वीडियो में कि राइट साइड का इसका व्हील बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो जाता था, जब पैंडल को छोड़ भी दे रहे थे पूरी तरह से, तो भी इसका व्हील दाहिना साइड का पूरी तरह से जाम ही था, पूरी तरह से एकदम जाम चल रहा था। ठीक है, तो उसका मेन वजह होता है यही, या तो स्प्रिंग का टेम्पर लो होना, लूज होना स्प्रिंग, या तो इसके ड्रम में बहुत ज्यादा डस्टिंग हो जाए। तो ये बताइए कि इसमें लेफ्ट यानी कि बायां साइड का ब्रेक शूज पूरा घिस गया है और दाहिना साइड का ब्रेक शूज पूरी तरह से नहीं घिसा है, तो क्या आप जब जुताई करते थे तो किस साइड में ज्यादा ट्रैक्टर को मूव करते थे खेतों में? बायां। तो लेफ्ट ज्यादा ट्रैक्टर को लेफ्ट घुमाते थे। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट का ब्रेक शूज अभी हमने दिखाया वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, घिस गया है, और ये राइट साइड वाला बचा हुआ, राइट का समझे तो यूज ही नहीं हुआ, राइट में नहीं मुड़ते थे, राइट नहीं लेते थे, यानी राइट टर्न नहीं लेते थे, ये ज्यादातर लेफ्ट ही लेते थे, तो लेफ्ट वाला तो पूरा ही इसका ब्रेक शूज का कहानी खत्म है, और ये राइट का पूरी तरह से देख सकते हैं बचा हुआ है। अगर इस कंडीशन में लेफ्ट साइड का भी ब्रेक शूज रहता तो अभी हम इसका साफ सफाई कर देते, सर्विस कर देते और फिर से ब्रेक अच्छे से टनाटन काम करने लगता, लेकिन इसमें समस्या है कि लेफ्ट साइड का तो पूरी तरह से ब्रेक शूज खत्म ही है। ठीक है, तब तो चेंज करेंगे तो दोनों साइड का करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को वीडियो में यही कंडीशन दिखाना था। ठीक है, बाकी तो इसका ब्रेक का हम काम करेंगे ही, लेकिन जो आप लोग का कुछ लोगों का कमेंट भी आते रहता है कि सर सूखा ब्रेक है उसमें ये समस्या है वो समस्या है। ठीक है, तो इसमें सूखा ब्रेक में समस्या ज्यादा आने का मेन वजह होता है कि आप उसका समय समय पर सर्विस ना देना, आप उसका समय समय पर सर्विस नहीं देंगे ये सर्विस ज्यादा लेता है। ठीक है, ऑयल ब्रेक तो खैर सर्विस लेता ही नहीं है न के बराबर, लेकिन ये ड्राई ब्रेक सर्विस ज्यादा लेता है, और आप समय समय पर सर्विस इसका 2-3 मंथ के अनुकूल इसका सर्विस नहीं देंगे तो आपका ब्रेक में तरह तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, ब्रेक पकड़ लेना, ब्रेक नहीं पकड़ना, ब्रेक ड्रम हीट हो जाना, ब्रेक शूज हार्ड हो जाना, ब्रेक पैंडल हार्ड हो जाना, ये सब तरह तरह का समस्या आने लगता है। ठीक है, तो बस आप लोगों को इस ट्रैक्टर में ही कंडीशन दिखाना था कि इसका ब्रेक में क्या समस्या था, और पहले भी हमने वीडियो में दिखाया कि क्या समस्या था, आप लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद भी खोलने के बाद भी दिखाया कि क्या समस्या था जिसके कारण से इस तरह से प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा होगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखे भी होंगे। ठीक है, और आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना है, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।